हेलो नमस्कार, हम बात कर रहे हैं 10वीं क्लास के 2024 और 2025 के न्यू सिलेबस को लेकर। न्यू सिलेबस देखो, नया सिलेबस जो 2024 और 2025 के लिए सफिशियंट है। हालांकि पिछले कई सालों से यही सिलेबस आ रहा है और पता न जाने कितने सालों तक यही सिलेबस चलेगा, अभी बदलाव नहीं हुआ है। तो 10वीं क्लास के गणित विषय की बात करें तो गणित विषय में कुल मिलाकर 15 को पार्ट पढ़ना है। कितना पार्ट पढ़ना है? 15 को। 15 में से आपको पता होनी चाहिए, जिसमें से 15 पार्ट में से 100 नंबर के पेपर होगा, 200 पूछेगा, 100 नंबर के बनाना होगा। ये पूरा पैटर्न बताया जाएगा बाद में। पहले हमें क्या करते हैं, सब्जेक्ट ही देते हैं। 200 में से कितना नंबर बनाओगे? 100 नंबर में, जिसमें आपका 50 नंबर सब्जेक्टिव रहेगा, 50 नंबर ऑब्जेक्टिव रहेगा। और 50 नंबर सब्जेक्टिव की भांति दुगुना दुगुना क्वेश्चन आता है। 100 नंबर के सब्जेक्टिव रहेगा, बनाना है 50 नंबर के, जिसमें से देखो दो भाग में आता है। एक होता है शॉर्ट क्वेश्चन, एक होता है लॉन्ग क्वेश्चन। एक होता है दीर्घ प्रश्न और एक होता है लघु प्रश्न। इसे लघु प्रश्न बोलोगे। लघु प्रश्न 2 नंबर में आएगा और दीर्घ प्रश्न 5 नंबर में आएगा। आपसे प्रश्न नंबर या 8 को पूछेगा, बनाना है 4 को। 8 को में से 4 को कौनो चुनकर बना सकते हो। वहीं 15 को 2 नंबरिया होगा कौनो 30 को 2 नंबरिया होगा कौनो 15 को चुनकर बना सकते हो। दीर्घ में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 5 नंबर का रहेगा। 4 को बनाओगे तो 5 को 20 नंबर का प्रश्न नंबरिया हो जाएगा। 30 को क्वेश्चन है 2 नंबरिया, जिसमें से 15 को बनाओगे प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 15 गुना 30 नंबर के 2 नंबरिया हो जाएगा। 30 को 20 को 50 नंबर का आपका सब्जेक्टिव हो जाएगा। और सब ऑब्जेक्टिव की बात करें तो 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें से आपको 50 को बनाना है, 50 को छोड़ देना है, किसी कहीं से भी 50 को रख लो। ये हुआ पैटर्न। इसके बाद हम बात करते हैं पाठ वाला। किस पाठ से कौन सी पाठ सबसे ज्यादा अपना भूमिका निभाता, उस पाठ पर फोकस करना अति आवश्यक है। हालांकि अभी आपके पास साल भर 11-12 महीना आपके पास टाइम है, तो आप सबसे पहले काम कीजिए, सबको बारीकी से कंसेप्चुअल पढ़िए। और एक कंसेप्चुअल पढ़ाई होगा, आपको यूट्यूब पर भी पढ़ाई होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में पढ़ाया जाएगा। और 15 के 15 पार्ट पढ़ाया जाएगा, एकदम जीरो से लेकर एडवांस तक पढ़ाया जाएगा, जीरो से हीरो लेवल तक पढ़ाया जाएगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। इसमें क्या होगा, पहले हम कंसेप्ट देंगे, प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर बताएंगे, उसके बाद डाउट क्लास लेंगे और टेस्ट भी लेंगे, उसके बाद भी अगर डाउट है तो फिर से डाउट क्लास लेंगे। इतना काम करोगे मेरे साथ तो यकीन मानो 100 में 100 नंबर लेकर आओगे, 100 में 100। मैथ में किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होगा। लेकिन जुड़े रहना, शाम में 7 बजे से लाइव क्लास होता है 10वीं क्लास के, 7 बजे अवश्य आकर वहां जुड़ो और अपना तैयारी में 4 चांद लगा सकते हो। तो चलो, 1 नंबर पहला पाठ देखोगे। पहला पाठ वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या बाबू 10 नंबर के आसपास पूछा जाता है, मोटा मोटी 10 नंबर। वास्तविक संख्या में क्या पढ़ना, पूरा संख्या के बारे में पढ़ना होता है। दूसरा पाठ है बहुपद, बहुपद चर अचर द्विघात समीकरण, चर अचर, उसके बाद रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इन सब के बारे में पढ़ना होगा। जोड़ घटाव जिसे अलजेब्रा के नाम से जानते हो। बहुपद ये पूछता है 5 नंबर के और ये पूछता है लगभग लगभग 10 नंबर के। दो चर और रैखिक समीकरण देखिएगा तो पूछेगा 5 नंबर में, लेकिन सबसे बड़ा पाठ है, सबसे इनमें देखिएगा तो सबसे बड़ा पाठ कौन है, दो चर वाला रैखिक समीकरण, लेकिन पूछता कितना, 5 नंबर में। द्विघात समीकरण में देखो तो ये भी 5 नंबर में आता है। समांतर श्रेणी ये भी 5 नंबर में आता है। त्रिभुज देखेगा, त्रिभुज बाबू ये देखो, आई त्रिभुजवा, आई वृत्तवा और ये रचना, त्रिभुज वृत्त रचना, ये तीनों मिलाकर ना ये पूछ लेता है 20 नंबर। 10 नंबर अकेला ये रहता है और 5 नंबर में ये रहता है, 5 नंबर में ये रहता है। इन तीनों पाठों को हम क्या बोलते हैं, ज्यामिति रेखा गणित बोलते हैं, ज्यामिति वाला रेखा गणित बोलेंगे तीन को पाठ हो, क्योंकि इनमें आप 9 में पढ़े हो, 9 में 5वां पाठ से लेकर सीधे 11वां पाठ तक केवल रेखा गणित ही दिया है। लेकिन 10 में कुछ सहूलियत है, 10 में केवल 3 ही पाठ रेखा गणित से आता है, बाकी सब नरम नरम है। निर्देशांक ज्यामिति देखोगे तो 10 नंबर में अकेला आता है। त्रिकोणमिति देखोगे, त्रिकोणमिति 15 नंबर में आता है और 5 नंबर में ऊंचाई और दूरी आता है, ये दोनों मिलाकर त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर होता है, हालांकि तीसरा पाठ से छोटे होता है। 9वां पाठ और 8वां पाठ दोनों मिलाकर त्रिकोणमिति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 9वां पाठ और 8वां पाठ को हम क्या बोलते हैं, ट्रिगोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं। तो 9वां पाठ और 8वां पाठ को क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति। कोई पूछे त्रिकोणमिति से कितना क्वेश्चन आता है, तो 20 नंबर। हालांकि हम 100 नंबर के आधार पर लेकर बात करते हैं,
दुगुना दुगुना पूछता है सबको दुगुना करते जाना। तो पहले संख्या पहला पार्ट 20 नंबर पूछेगा, दूसरा 10 नंबर पूछेगा, हम केवल 100 नंबर के आधार पर बता रहे हैं, ठीक है। आपके पेपर में 200 नंबर में पूछा जाएगा जिसमें से 100 को बनाओगे। आठवां पार्ट नौवां पार्ट दोनों मिलाकर कितना नंबर में आता है, 20 नंबर में। इधर हो गया 55 नंबर में वृत्त, देखोगे वृत्त और पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दोनों मिलाकर आपसे पूछ लेता है मोटा मोटी 10 से लेकर 15 नंबर के आसपास पूछता है। ये निर्भर करता है सेटर के ऊपर, कभी इसमें ज्यादा पूछता था इसके इसमें कम पूछेगा या फिर इसमें ज्यादा पूछेगा तो उसमें कम पूछेगा। इस सेटर के ऊपर निर्भर करता है किस पार्ट में से ज्यादा पूछेगा किस पार्ट में से कम पूछेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल हो गया। सांख्यिकी 5 नंबर में आता है और प्रायिकता भी 5 नंबर में आता है। सब आप जोड़ोगे तो इतना नंबर के आप पहले जोड़ लेते हैं, 10 को 5 को 15, 15 5 20, 20 5 25, 25 5 30, 30 10 40, 10 50 15 65, 65 हो 5 हो 70, 70 5 75, 5 20, 75 5 80 होता है, 80 को 10 को 90, 90 10 जब मतलब 100, ये 100 नंबर का आपका मैच हो जाता है। आपको क्या लगता है सबसे बड़ा सबसे अच्छा मतलब सबसे ज्यादा मार्क्स किसमें से आ रहे हैं, त्रिकोणमिति से 15 से 20 नंबर में आता है त्रिकोणमिति। और वहीं हम दुगुना की बात करें तो हर एक पाठवा दुगुना कर देना तो 200 में हो जाएगा, 200 में 90 पर पूछेगा आपका। तो मान के चलिए 15 20 20 दुना 40, त्रिकोणमिति 40 नंबर में आएगा, ठीक है। वास्तविक संख्या 20 नंबर में, बहुपद 10 नंबर में, दो चर वाला रैखिक समीकरण 10 नंबर, द्विघात समीकरण 10 नंबर, ऐसे दुगुना दुगुना पूछेगा तो सब पाठ में से दुगुना क्वेश्चन भी आएगा। तो ये आपका पैटर्न हुआ, आपका सिलेबस हुआ, इतना पाठ आपको पढ़ना होगा। इसके बाद जो भी हम वीडियो बनाएंगे ना बाबू, हम आपको बता दें कि पहला पाठ से शुरू करेंगे, पहला पाठ से कल ही मतलब आज ही से आज वीडियो बनाएंगे और रिकॉर्डिंग करके डालेंगे यूट्यूब पर। आपको जो पूछना होगा कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं, और लाइव क्लास भी बताया जाएगा, लाइव क्लास में भी बताया जाएगा। लाइव क्लास शाम को 7 बजे से आता है, आप उसमें आइए और भाग लीजिए और पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। 2026 में 2024 में तैयारी होगा, 2025 में आप अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। लेकिन जाने से पहले एक बात सुन लो, अपने दोस्तों में ये सब वीडियो शेयर करते रहो ताकि उनको भी पता चले कि कौन कौन हमारे 10वीं क्लास के मैथ में कौन कौन से विषय कौन कौन से चैप्टर होते हैं, किन चैप्टरों से कितने क्वेश्चन पूछते हैं, ये सब उनको पता चलने चाहिए ताकि आपका टक्कर मुकाबला बराबरी लेवल का हो सके। नहीं तो क्या होता है ना, अकेला इंसान यदि बहुत ज़्यादा तेज होता है तो उसे ऐसा लगता है कि हमसे तेज कौन है, वो टक्कर नहीं ले पाता है। तो देखो बाबू, पूरा बिहार के लड़कों से टक्कर होने वाला है, इसलिए कोशिश करो कि जितना ही ज़्यादा टक मतलब कि तेज तरार लड़का मिलेगा लड़का या लड़की, तो समझो कि एकदम हमारा भी तेज होना मतलब बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए अपने दोस्तों में सब बताते रहो, पढ़ते रहो, कंपटीशन लगा कर पढ़ते रहो, ताकि दोनों के दोनों आदमी मजबूत होंगे, और दोनों के दोनों आदमी जब मजबूत होंगे तो तैयारी और मजबूत हो जाता है। ओके, थैंक्स।